इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का बोल या हार्ट सर्कुलेशन का बोल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज़ द फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट द फीटल सर्कुलेशन, व्हाट हैपेंस इन द फीटस, क्या होता है फीटस की लाइफ में ड्यूरिंग सब कुछ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ईजी वे में पढ़ाऊँगा। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। मतलब फीटस जब अडल्ट बनता है, अडल्ट मतलब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में हमें पता है कि किस तरह से सर्कुलेशन चलता है। ओके, हार्ट के राइट एट्रियम से फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक में लंग्स के साथ प्यूरिफिकेशन के लिए जाता, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन से इस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अवोर्टा के सहारे पूरे बॉडी में ये फैल जाता। मतलब दिस इज द एडल्ट सर्कुलेशन, लेकिन दिस इज द सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ ना। फीटस की लाइफ में ये सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ होता है, लेकिन व्हाट इज द सर्कुलेशन बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला इतना बात समझ ले कि ये सर्कुलेशन कैसे चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट कैसे होता है। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इसका एम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना ध्यान रख कि फीटल सर्कुलेशन का एम ये है कि फीटस, देख फीटल का जो भी सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन में मोस्टली सभी सभी ऑर्गन्स डिऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, लेकिन इस सर्कुलेशन का एम इतना ही है कि फीटस के हेड को प्यूरिफाइड ब्लड मिले। मतलब पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त हो, पूरा नहीं बट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको प्राप्त हो, दैट इज द ब्लड सॉरी ब्रेन ऑफ फीटस। मतलब फीटस के ब्रेन को प्यूरिफाइड ब्लड, क्यों जो भी ब्लड है वो प्यूरिफाइड हो। ओके बच्चों, दैट इज वेरी एम, ये एम है कि ब्रेन को प्यूरिफाइड ब्लड जाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को। अब होता है ऐसा, देख सबसे पहला ये है तेरा मतलब ये होता है फीटस के मदर का। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा मदर आई। सो ये आई का मतलब मदर का, दिस इज नथिंग बट प्लासेंटा। ओके, प्लासेंटा है ये। अब देख प्लासेंटा इट इज विच शेप, प्लासेंटा इज ऑफ द डिस्कॉइड शेप। कौन सा शेप का है, प्लासेंटा होता है डिस्कॉइड शेप का। ओके बच्चों, अब देख प्लासेंटा होता है डिस्कॉइड शेप का, उस प्लासेंटा में जगो जगह इस तरह से दीज आर फॉर्मेशंस विच आर प्रेजेंट इन अ प्लासेंटा एंड दैट फॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाय। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो दिख रहा है तेरे को, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लासेंटा, दीज आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाय, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लासेंटा में जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दीज आर द कोरियोनिक विलाय। फिर प्लासेंटा से आगे एक कॉर्ड ओरिजिनेट होती है एंड दैट कॉर्ड बच्चों कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। दिख रही ये वाली, ये जो कॉर्ड दिख रही, दिस इज अ कॉर्ड एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस से अटैच होता और प्लासेंटा मदर की होती। ओके, सो ड्यूरिंग जब जब सर्जरी कर दे, जब बेबी बाहर आता है तो यहाँ से कट कर दे, सो द प्लासेंटा इज अटैच टू दी यहाँ बेबी के जो ये होती है बेबी उधर, वो अटैच रहती है और ये प्लासेंटा रिमूव की जाती है। अब देख ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से बाहर तीन वेसल निकलती है, दिख रही 1 2 3, हाउ मेनी वेसल मास्टर? अरे बच्चू इसमें तीन वेसल आती है, यस मास्टर। देख तीन वेसल से दिख रही, ये फर्स्ट रेड वाली, सेकंड और ये थर्ड, तीन वेसल्स निकल रही हैं। टू आर्टरीज हैं लाल लाल दिख रही है और एक है वेन। सो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलने वाली वेन, अम्बिलिकल वेन, बट दिट इज लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। अब देख होता है ऐसा क्या है, देख अब सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, प्रोसीजर देख। अब देख दिस इज योर अम्बिलिकल वेन। अब होता है ये जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ये इस तरह से जाती, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, देख इस तीसरी का नाम है अम्बिलिकल वेन। ओके, इट इज लेफ्ट, स्पेशली इट इज लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। देख नाम में वेन है लेकिन ऐसा मत समझ इट हैविंग द नेम ऑफ वेन सो इट कैरीज डिऑक्सीजनेटेड, नो। अगर उसके नाम में वेन भी है
मगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बात है मास्टर? अरे हाँ बच्चू, यही तो बात है कि अगर उसके नाम में अगर वेन भी है तो वो कौन सा ब्लड कैरी करती? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट हैविंग द सैचुरेशन ऑफ अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना परसेंट? 80% ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस अम्बिलिकल वेन कैरी करती। ये बहुत गलत, मतलब एक उल्टा ट्विस्ट है, लाइक दिस कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये सही उल्टा, पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी बोले तो ऑक्सीजनेट लाना चाहिए यहाँ, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेट लाती। उसी तरह अम्बिलिकल वेन, वेन बोले तो डी ऑक्सीजनेट, लेकिन अम्बिलिकल वेन कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दी प्लासेंटा ऑफ द मदर। अब देख, ये जो हमारी अम्बिलिकल वेन है वो जाती आगे आगे आगे, ठीक है? वेन गई, अब देख अम्बिलिकल वेन है लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर है। अब होता है सैन बच्चू, अम्बिलिकल वेन पाइप फॉरगेट इनटू इसके दो ब्रांचेस पड़ जाते। किसके मास्टर? अम्बिलिकल वेन के। ओके मास्टर, अम्बिलिकल वेन से दोन ब्रांचेस पड़ता देख, लेकिन दिस कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। अम्बिलिकल वेन के दो ब्रांचेस गिरते लेकिन इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देख, दिस इज योर लिवर, लिवर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, ये है फीटस का लिवर। अब बता, लिवर को कौन सी सिस्टम होती है? पोर्टल सिस्टम। ओके, लिवर में पोर्टल सिस्टम होती है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। वहाँ पे उसका सर्कुलेशन चलता रहता है, मतलब अगर ब्लड लिवर तक पहुँचा तो वो वहाँ पे सर्कुलेट हो जाता या फिर प्यूरीफाई हो जाता है। इसलिए वहाँ पे एक सिस्टम होती है या डक्ट होती है, दैट इज अ पोर्टल, इट इज पोर्टल डक्ट, या फिर उसको पोर्टल वेन भी कहते हैं। देख, इस तरह से पोर्टल वेन के भी दो ब्रांचेस पड़ जाते। दिस इज योर पोर्टल वेन। ओके, सो दिस इज योर राइट पोर्टल वेन एंड दिस इज योर लेफ्ट पोर्टल वेन। ऑब्वियसली इट इज ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। हमने पैनक्रियाज के रिलेशन में देखा था, पोर्टल वेन का रिलेशन पोस्टीरियर ऑफ द पैनक्रियाज आया था, राइट? दैट एस्पेक्ट। ओके, सो हैविंग द टू पोर्टल वेन, ना टू पोर्टल, एक राइट पोर्टल वेन थी, एक लेफ्ट पोर्टल वेन थी। अब होता ऐसा है ना, देख यहाँ पे हमारी अम्बिलिकल वेन थी जिसके दो ब्रांचेस थे, एक ये वाली ब्रांचेस, एक ये वाली ब्रांचेस। अब होता ऐसा है ना, एक ब्रांच ऑफ दैट अम्बिलिकल वेन अटैचेस टू दी योर लेफ्ट पोर्टल वेन। अब इतना समझ, देख हमें लिवर की गरज क्या है? देख, हमारे जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रहा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर। ओके, अगर ये देख, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा, लिवर क्या करता? ब्लड को प्यूरीफाई करता। पहले से ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा तो प्यूरीफाई करने की गरज है क्या? नहीं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब पहले से ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा, सो इस पोर्टल सिस्टम में जाने की कोई जरूरत नहीं, इसको बाईपास करना पड़ेगा, मतलब उसको कटाना पड़ेगा, मतलब उस पोर्टल सिस्टम में हमें जाना नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे हमारे इस अम्बिलिकल वेन में एक शंट बनता। वट डू यू मीन बाय शंट? शंट इज अ स्ट्रक्चर विच कैरीज मोस्ट ऑफ द ब्लड बाय दिस पाथवे। समझा? मतलब देख, थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड गया, लेकिन उस थोड़ा अमाउंट, देख अगर ब्रांच गिर गई है, दो ब्रांच गिरी है, तो एक ब्रांच से अगर अटैच हो गई लेफ्ट, सो सम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, कोई उसका कुछ नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ब्लड डायरेक्टली हम अटैच हो जाती। देख, ये है तेरी सुपीरियर वीना केवा, राइट? और यहाँ से बनती तेरी, दिस इज योर इन्फेरियर वीना केवा। ये कौन सी है? दिस इज योर इन्फेरियर वीना केवा। ओके, अब देख, ये है तेरी अम्बिलिकल वेन एंड दैट अम्बिलिकल वेन अटैचेस डायरेक्टली टू योर इन्फीरियर वीना केवा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रही? देख, मेजॉरिटी ऑफ ब्लड यहाँ है, राइट? मेजॉरिटी ऑफ ब्लड शंट, लेकिन दिस हैविंग द लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हमें इस पोर्टल सिस्टम को बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड नहीं करना, इसलिए इस पोर्टल सिस्टम को हमने बाईपास कर दिया बाय ए शंट। ये जो शंट बन गया ना, दिस इज अ शंट। शंट मतलब ऐसा मार्ग जिससे हमने पोर्टल सिस्टम को कटा दिया, दैट इज अ शंट। और इस शंट का नाम है, देख सिंपली है, ये अम्बिलिकल वेन से बना हुआ शंट है, सो इट इज कॉल्ड डक्टस विनोसस। इस शंट का नाम क्या है? डक्टस विनोसस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस शंट हैविंग द नेम ऑफ डक्टिस
विनोसिस। ओके, सो एक शंट बन गया। इस शंट ने ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से कैरी होने वाला है, ये पूरा पोर कर दिया इन्फीरियर वीना के। अब बता, इन्फीरियर वीना कैवा क्या करती? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑब्वियसली। सुपीरियर वीना कैवा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द नेक रीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो इन्फीरियर वीना कहवा है दैट कैरीज द डी ऑक्सीजन फ्रॉम द लोअर पोर्शन। ओके, सो ये कैरी करने वाली थी। देख, ये जो ब्लड है दिस इज ऑल अबाउट द डी ऑक्सीजनेटेड। आ गया, देख दिस इज ऑल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तेरा ये वाला पूरा प्यूरिफाइड ब्लड मिक्स हो गया। हाँ देख, ये वाला आ गया तेरी अम्बिलिकल वेन से और दिस इज फ्रॉम योर लोअर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीटस। ओके, सो ये डी ऑक्सीजनेट था, ये ऑक्सीजन पूरा मिक्स होके इसमें पोर हो जाता, पूरा मिक्स होके इसमें पोर हो जाता। किसमें पोर हो जाता? दैट इज ऑफ योर राइट एट्रियम। ये है तेरी राइट एट्रियम, मुझे पूरा ये जो ब्लड है ना, ये कैसा ब्लड है? मिक्स्ड अमाउंट ऑफ ब्लड है। हाँ, सो राइट एट्रियम में मिक्स्ड ब्लड आ जाता। ओके, फिर ये ब्लड देख, सो इन नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता? देख नॉर्मल सर्कुले मतलब इसमें इन जनरल हम बात करें, सो ये अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट? सो राइट वेंट्रिकल से ये पल्मनारी ट्रंक पकड़ेगा। देख, सम अमाउंट ऑफ ब्लड गोज इन दी पल्मनारी ट्रंक, वेरी गुड। अब पल्मनारी ट्रंक से गया, ओके अब पल्मनारी ट्रंक से क्या होता है? फिर पल्मनारी ट्रंक से है पर सम अमाउंट ऑफ ब्लड गोज इन पल्मनारी ट्रंक। अब देख यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है तेरे वॉट आर धियर। अब देख मैं छोटी सी कुछ तो ड्रॉ करूंगा, समझ लिए? दिस इज योर लंग्स, ओके समझ लिए? दिस इज योर लंग्स। सो दिस इज ऑफ योर राइट लंग, ये जो है इट इज ऑफ योर राइट लंग एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग। ओके, अब देख, सो देख हुआ ऐसा ना, ये अमाउंट ऑफ ब्लड इधर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल फिर पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी से फ्रॉम देयर लंग्स में जाता। लेकिन फीटस में लंग्स फंक्शनल नहीं होते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फीटस में लंग्स फंक्शनल नहीं होते, लंग्स फीटस में इस तरह से रहते, कुछ सॉलिड रॉक स्ट्रक्चर, बहुत रॉक है, मतलब एक दगड़ टाइप स्ट्रक्चर है, उस दगड़ के जैसे बहुत सॉलिड है, क्योंकि ये लंग्स फंक्शनल नहीं रहते। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड गोज इन दी पल्मनारी ट्रंक, सो इससे ब्लड रिटर्न भी नहीं आएगा, इस पल्मनारी वेन में ब्लड रिटर्न भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो तेरे राइट लंग है ये बहुत नॉन फंक्शनल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है और ये रॉक सॉलिड है, मतलब सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर है, और इन में जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई होते हैं दैट, देख अल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सर्कुलेशन चलता है उसके साथ गैस एक्सचेंज भी चलता है एट द लेवल ऑफ सेलुलर, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, एट द लेवल ऑफ अल्वियोली। सो इन दिस लंग्स ऑफ द फीटस, यहाँ पे अल्वियोली के साथ गैस एक्सचेंज नहीं होता। सो गैस एक्सचेंज न होने की वजह से सिंपली ब्लड भी प्यूरिफाई नहीं होता। ये जो अल्वियोली रहते हैं ये बहुत नैरो रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और नैरो होने की वजह से वो बहुत छोटे रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फंक्शनल ना, सिंपल, इसलिए दीज आर नॉट हैविंग दी फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ये गैस को एक्सचेंज भी नहीं करते। देख मैंने क्रॉस कर दिया, इट्स नॉट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड गया, वो भी कुछ फायदा नहीं। लेकिन अब देख, जैसे ही यहाँ हमारी इन्फीरियर वीना के बाद थी, उससे साथ मिक्स ब्लड हमारे राइट एट्रियम में पहुँचा, उससे दो पैसेज थे, हमारे हार्ट में एक ही होता है डायरेक्टली राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाता, लेकिन फीटस के बॉडी में राइट एट्रियम से आया हुआ ब्लड, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, दिख रही है ओपनिंग? दिस इज द ओपनिंग, ये इस ओपनिंग के सहारे डायरेक्टली जाता तेरे लेफ्ट एट्रियम में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? दिस इज ऑफ योर लेफ्ट एट्रियम।
मतलब ये जो मिक्स्ड डी ऑक्सीजनेटेड, वो मिक्स ब्लड है विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजन, सो ये ब्लड यहाँ भी जाता है उसके साथ पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, उसके साथ दिस फ्रॉम दिस ओपनिंग यहाँ पे एक ओवेल रहता, और उस ओपनिंग का नाम है, मैं उसको इधर इस ओपनिंग को दिखा रूँ, सो इस ओपनिंग का द्वारे जाता, सो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवेल, क्या बोलते उसको, फोरामेन ओवेल। सो ड्यू टू दिस फोरामेन ओवेल, देख होता है ऐसा है ना, इस ये जो ऐसा हमारे हार्ट में ऐसा ऐसा रहता है यहाँ पे, मतलब नो ओपनिंग, लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट इन द फीटस, देख सबसे पहला एक सेप्टम ये वाला रहता है, इट्स कॉल्ड सेप्टम प्राइमम, और दिस इज हैविंग द सेप्टम सेकेंडम, इनके दोनों के बीच में एक ओपनिंग बन जाती है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवल, एंड आफ्टर द बर्थ ये जो सेप्टम होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं, सो बाई द फ्यूजन दे फॉर्म एंट्रियो वेंट्रिकुलर, सॉरी दे फॉर्म दर एट्रियल सेप्टम। ओके सो ये जो ओपनिंग होती है, दिस इज सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकेंडम के बीच में जो ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवल। ओके सो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में गया, सिंपली वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ वो गया फिर हमारे एवोर्टा में, वेरी इंपॉर्टेंट। देख सबसे पहले वो गया, दिस इज फ्रॉम योर दैट इज असेंडिंग एवोर्टा, आर्च ऑफ एवोर्टा, डिसेंडिंग एवोर्टा, फिर ये वाली, फिर थोरासिक एवोर्टा, एब्डामिनल एवोर्टा से नीचे ट्रैवल हो गया। अब देख वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही वो एब्डामिनल अवोर्टा से नीचे आ गया, तुझे पता है कि एब्डामिनल अवोर्टा के नीचे के दो ब्रांच बढ़ते हैं ना टर्मिनल अवोर्टा के, यस मास्टर, हैविंग द टू ब्रांचेस, यस बच्चू। देख टर्मिनल अवोर्टा बनने से पहले उसकी एक ब्रांच पड़ती है कॉल्ड एज कॉमन इलियक आर्टरी ना, उसकी क्या ब्रांच पड़ती, हैविंग द ब्रांच कॉल्ड एज कॉमन इलियक आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉमन इलियक आर्टरी फिर दो ब्रांच पड़ती, ये वाली कॉल्ड एज राइट कॉमन इलियक एंड लेफ्ट कॉमन इलियक, वेरी गुड मास्टर। अब इसके फिर आगे दो ब्रांच पड़ते, यश मास्टर, ये पड़ गई तेरी एक्सटर्नल राइट कॉमन इलियक और ये पड़ गई तेरी इंटरनल राइट कॉमन इलियक, वेरी गुड मास्टर। इसके भी दो ब्रांच गिर गए, दैट हैविंग द टू ब्रांचेस, यश मास्टर, हैविंग द एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन इलिया एंड हैविंग द इंटरनल लेफ्ट कॉमन इलिया, यस इट्स करेक्ट मास्टर। ओके बच्चों, अब होता ऐसा है ना, ये तो ब्रांच पड़ गए, अब देख इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरीज जो होती है दोनों साइड की, मतलब इंटरनल राइट कॉमन इलियक एंड द इंटरनल लेफ्ट कॉमन इलियक, ये जो ब्रांचेस होती है ना यहाँ से, क्यों ये ही दो यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी से ज्वाइन कर जाते, मतलब देख ये ब्रांचेस हमारे अम्बिलिकल आर्टरी से, अब कहाँ से ज्वाइन करें इसको, हाँ कुछ इस तरह से, देख इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों आर्टरी कुछ इस तरह से अम्बिलिकल आर्टरी से ज्वाइन हो जाने, मतलब दिस फॉर्म्स एज अम्बिलिकल आर्टरी, ये जो दोनों रहती है ये दोनों ही अम्बिलिकल आर्टरी बनाती है, देखा, मतलब देख इंटरनल राइट कॉमन इलियक अटैचेस टू ए अम्बिलिकल आर्टरी एंड द इंटरनल लेफ्ट कॉमन इलियक अटैचेस टू द सेकेंड अम्बिलिकल आर्टरी, मतलब जितना भी ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड आया इसमें, सो ये पूरा ब्लड फिर से किसके पास पहुंच गया, मदर के प्लासेंटा के पास, फिर ये प्लासेंटा क्या करेगा, पूरा ब्लड प्यूरीफाई करेगा, फिर से अम्बिलिकल वेन से इसके पार पहुंचा देगा। अब देख दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब देख अब यहाँ तो ख़त्म नहीं हुआ, इतना ध्यान रख, अब सर मास्टर ये ब्लड गेला लेकिन तू बोला कि सम अमाउंट ऑफ ब्लड गोज इन द पल्मोनरी ट्रंक, यस बच्चो सर मग ह्या ब्लड जो काय होतं जिथे लंग्स मध्ये जात नाही कारण की लंग्स फंक्शनल नाही, अरे बच्चू ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन द फीटस यहाँ से मतलब पल्मोनरी ट्रंक बोल, पल्मोनरी आर्टरी बोल, और यहाँ आर्च ऑफ अवोर्टा के बीच में एक शंट होता है, दिख रहा है, ए सिंगल शंट, हाँ इस शंट को जैसा हमने यहाँ पे एक शंट देखा था, हैविंग द शंट कॉल्ड एज अ टक्टस विनोसस, वैसे ही यहाँ पे एक शंट होता है इनके बीच में, जो शंट क्या करता है, इस ब्लड को भी यहाँ पे पोर कर देगा, इस ब्लड को भी यहाँ पे पोर कर देगा, सो इस शंट को कहते हैं डक्टस
आर्टेरियोसिस, तू नाम यहाँ देख सकता है, हैविंग द डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। सो ये शंट बन गया, दिस इज डक्टस आर्टेरियोसिस, दिस इज डक्टस विनोसिस, टू शंट बन गए, ओके। और फोरामेन ओवल, तीन शंट बन गया अभी तक, ओके बच्चू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ओके, सो ये भी जो ब्लड जो भी यहाँ से आया था, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ब्लड, जो स्मॉल अमाउंट, वो भी पोर हो जाता आर्च ऑफ, फिर वो आर्च ऑफ अवर्टा से नीचे डिसेंडिंग, फिर थोरासिक एब्डोमिनल टर्मिनल से इंटरनल ब्रांचेस, फिर से उसको ले जाती प्लेसेंटा में, क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी थी, तो बाई दी टू अम्बिलिकल आर्टरी गोज इन द प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा ऑफ मदर प्यूरिफाइज द ब्लड। अब देख यहाँ से होता ऐसा है ना, ऊपर बेबी का ब्रेन होता है, अब होता है ऐसा है ना, इस ये जो रहती है दैट इज अ ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ये पूरी आर्टरीज क्या करती है, बेबी के ऊपर के भाग में, मतलब यहाँ पे ब्रेन में जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारे इस बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है कि गिव ए पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड ब्लड, जितना ब्लड प्योरीफाइड हो सके उतना ब्लड हम दें। सो ब्रेन को, इस बेबी के ब्रेन को दैट गोज बाय दिस आर्टरीज प्योरीफाइड ब्लड जाता, इस तरह से समझा। और इसका अनप्योरीफाइड या डीऑक्सीज ब्लड इन सुपीरियर वीना के पास से फिर से इसमें आ जाता, और फिर से वही सर्कुलेशन, फिर वही गोज इन दिस, फिर वही से यहाँ से प्यूरिफिकेशन फ्रॉम दिस अम्बिलिकल वेन से, फिर यही, फिर मतलब ऐसा सर्कुलेशन चला रहे। लेकिन ये कब तक, जब तक बेबी की बर्थ ना हो। वेन द प्लासेंटा कट्स, आफ्टर द बर्थ क्या होता था, प्लासेंटा कट होता, अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट हो जाता। अब जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट हो गया, बेबी बाहर आ गया, सो अब रोएगा, सो दैट बेबी क्राइज ना, बेबी क्राई करता, सो बेबी क्राई कर रड़ेगा, तो उसके साथ जो ऑक्सीजन और बाहर की एयर है वो इनसाइड जाएगी। हाँ जैसे ही वो रोएगा, द अमाउंट ऑफ एयर गोज इनसाइड हिज माउथ, सो शरीर माउथ के आध गए, मतलब लंग्स में गए, और अगर जैसे ही लंग में एयर गई, लंग स्टार्ट फंक्शनिंग, लंग वहाँ पे अल्वियोलाई जो हम वहाँ पे नैरो हो गए थे वो ब्रॉड होने लगती है, और अल्वियोलाई स्टार्ट दी फॉर द ऑक्सी गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता, और उसके साथ जो उसके लंग्स थे वो स्टार्ट ऑक्यूपाइंग वहाँ पे वो जगह लेने शुरू कर देते हैं, ओके बच्चू। और आफ्टर दी बर्थ, कुछ बर्थ के भी 5-6 महीने बाद, यहाँ पे जो फीटस में जो शंट्स थे, कुछ स्ट्रक्चर्स थे, वो अडल्ट में गायब हो जाते हैं, दैट्स बिकम डिमोलिशस, या फिर उनका कन्वर्जन हो जाता। जैसे देखो, सबसे पहला हमने डक्टस विनोसस एक शंट देखा था यहाँ पे, सो ये जो डक्टस विनोसस है दैट कन्वर्ट्स इन टू, ये जो शंट है डक्टस विनोटस विनोसस कन्वर्ट्स इनटू लिगामेंटम विनोसस, दिस कन्वर्ट्स इनटू लिगामेंटम विनोसस, सॉरी दैट्स लिगामेंटम विनोसम, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फोरामेन ओवल, ये जो था राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन हुआ है, उसका कन्वर्जन होता फोसा ओवालिस में, किसमें, फोसा ओवैलिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड आस्पेक्ट, अम्बिलिकल वेन कहाँ है, ये वाली लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो थी वो फीटस में थी, लेकिन अडल्ट में वो ना लिवर की एक लिगामेंट बन जाती है, क्योंकि ये इन्फीरियर आस्पेक्ट में जाती है ना, इन्फीरियर आस्पेक्ट में। सो बता, एंटीरियर आस्पेक्ट से इन इधर इधर कौन सा लिगामेंट रहता, फैल्सिफॉर्म एंटीरियर रहता जो लेफ्ट और राइट लोब को डिवाइड करता, फिर इन्फीरियर में आता कौन सा लिगामेंट, टेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अम्बिलिकल वेन बन जाती लिगामेंटम टेरिस। फोर्थ आस्पेक्ट, डक्टस आर्टेरियोसस, ऑब्वियसली दैट कन्वर्ट्स इन टू लिगामेंटम आर्टेरियोसस, वो जो बन जाती लिगामेंटम आर्टेरियोसस, ये यहाँ पे आर्टेरियोजम, लिगामेंटम आर्टेरियोस। एंड फोर फिफ्थ आस्पेक्ट लास्ट इज अम्बिलिकल आर्टरीज, ये जो दो थी ना, इंटरनल राइट कामन इलियक और इंटरनल लेफ्ट और राइट कामन इलियक आर्टरी, जो हमारे अम्बिलिकल आर्टरी के साथ जुड़ गई थी, दैट फॉर्म्स, वो बन जाती
वो बन जाती तेरी मीडियल यूटराइन लिगामेंट, मुझे यूट्रस के लिगामेंट बन जाते, सो दैट इज फॉर मीडियल यूटराइन लिगामेंट, सो मिडिल यूटरस लिगामेंट, जो यूटरस की लिगामेंट बन जाती वो भी मीडियल, मीडियल यूटराइन लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझा बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिटल सर्कुलेशन, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको समझा, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग वीडियो, और लाइक करो चैनल, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।